सियावर रामचंद्र की जय श्री राम, जय श्री राम। आज यहां पे पूरे दिल्ली के कोने कोने से आए हुए सभी राम भक्तों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आप सब लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा एक तरह से बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। अभी आप लोगों ने देखा आपके सामने किस तरह से भगवान राम ने रावण का वध किया, उसी तरह से आज हमें अपने देश में, अपने समाज में रावण रूपी शक्तियों का वध करना है। मुझे बेहद खुशी है, हमारे दिल्ली के लोगों ने इस बार डेंगू का वध करके दिखा दिया। डेंगू पे हम सब लोगों ने कंट्रोल पा लिया। इस बार डॉक्टर कह रहे थे, एक्सपर्ट कह रहे थे कि डेंगू बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन पूरे दिल्ली में जो कैंपेन चलाया गया, पूरे दिल्ली में अभियान चलाया गया, अभी तक डेंगू पूरी तरह से कंट्रोल में है। इसी तरह से आप लोग इस अभियान का हिस्सा बने रहिए। एक महीना और है, 15 नवंबर तक होता है बस डेंगू। 15 नवंबर के बाद डेंगू की चिंता खत्म। दूसरा, अपने को पॉल्यूशन पे कंट्रोल करना है। उसमें भी खुशखबरी है कि दिल्ली में पॉल्यूशन कम होना चालू हो गया। 25% पॉल्यूशन कम हो गया दिल्ली के अंदर, 25%। अब अपने को दिवाली के ऊपर, छोटी दिवाली पे दिल्ली सरकार ने कनॉट प्लेस में आपके लिए दिवाली मनाने का इंतजाम किया है। कनॉट प्लेस में छोटी दिवाली पे अपनी पूजा करके सारे जने पहुंच जाना। वहां बहुत भव्य स्तर के ऊपर लेजर शो का इंतजाम किया जाएगा, पर एक ही शर्त है, अगले दिन पटाखे नहीं बजाओगे। हम सारे जने मिलके दिवाली मनाएंगे, सारी दिल्ली मिलके कनॉट प्लेस के अंदर दिवाली मनाएगी। आएंगे सब लोग, जय श्री राम। भूमि जी भी हमारे बीच में है, एक स्वागत करा जी। भूमि पेडनेकर जी, जिन्होंने, जिनकी फिल्म थी शुभ मंगल सावधान, टॉयलेट, प्रेम कथा, अब इनकी नई फिल्म आ रही है, ये हमारे बीच में है। हम इनका लवकुश रामलीला कमेटी की ओर से स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे अध्यक्ष एक पटका उड़ाकर स्वागत करेंगे भूमि जी का। अब मैं अनुरोध करूंगा परम आदरणीय दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से कि भूमि पेडनेकर जी हमारे अनुरोध पर हमारे मध्य में आई हैं बंबई से, कृपया दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्हें शक्ति का प्रतीक भेंट कर उनका। अभी आरती होगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे साथ आरती में रहेंगे और उसके बाद बहुत ही सुंदर कार्यक्रम की प्रस्तुति अभी लीला स्थल के ऊपर होगी और भूमि जी भी आपके बीच के अंदर रहेंगी। इनकी आने वाली नई मूवी है जो कि हरियाणा से रिलेटेड है, वो वही बताएंगी, सांड की आंख। तो किस तरह एक इंसान अपने किसी भी एम को रखकर और उस मकसद तक पहुंच सकता है, उसके विषय में अभी भूमि जी आपके बीच में रहेंगी और बताएंगी। उससे पहले आरती होगी। आतिशबाजी आजम जी, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन शुरू करें। आजम आतिशबाजी वाले रावण के पुतलों का दहन प्रारंभ कराएंगे पहले। सर 50,000 बोले लगते थे, अब सिर्फ 500। अच्छा, कम कर दिया इन्होंने पुलिस ने। ये इनकी इंस्पायरिंग है।
सभा दी गई। लव कुश रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित यह दशहरे का पर्व कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले में आग लगते हुए बुराई के प्रतीक, अधर्म के प्रतीक ये असुर और आप देख सकते हैं लवकुश रामलीला कमेटी का यह प्रयास है इस बार, जैसे कि हमारे आदरणीय मंत्री अर्जुन कुमार जी ने बताया कि प्रदूषण को देखते हुए इस बार बहुत ही कम ज्वलनशील वस्तुएं इसमें लगाई गई हैं, बहुत ही हल्के और कम ध्वनि वाले पटाखे इस बार इन पुतलों में लगे हैं ताकि प्रदूषण ना फैले ज्यादा। और अंत में रावण के पुतले में आग लगते हुए और ये रावण भड़कता हुआ, जलता हुआ बुराई पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व यह दशहरा आज आप देख रहे हैं दिल्ली लवकुश रामलीला कमेटी रामचंद्र महाराज की। अभी आरती प्रारंभ होगी और भूमि पेटनेकर जी आपके बीच के अंदर रहेंगी और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी और आपसे मुखातिब भी होंगी, पहले आरती होगी। पुतले दहन के पश्चात सभी अतिथिगण, कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण आरती के लिए जाते हुए